हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस जो चेस्ट एक्सरे पे आपको डायग्नोज करने आने चाहिए। वेरी वेरी हाई यील्ड वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लिनिक्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि चेस्ट एक्सरे आप अक्सर देख रहे होंगे और आपको पता होना चाहिए कि कॉमन क्लिनिकल केसेज चेस्ट एक्सरे पर कैसे दिखते हैं। लेकिन उससे पहले दो वीडियोज़ आपने देखनी है। एक मेरी वीडियो जनरल एनाटमी की है, चैप्टर नंबर 10 BD84 का, जिसमें रेडियोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये रहा उसका लिंक। और दूसरी वीडियो जिसमें हमने चेस्ट एक्सरे को सिस्टमैटिकली कैसे अप्रोच करना है, ये आ रहा है उसका लिंक। ये दो वीडियोस अगर आप देख लोगे तो ये आप चेस्ट एक्सरे इंटरप्रेट करना आपके लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस कि वो चेस्ट एक्सरे पर कैसे दिखते हैं। सो केस नंबर वन में जो चेस्ट एक्सरे आपके सामने है, अच्छा जितने भी अभी मैं आपको चेस्ट एक्सरेज पढ़ाऊंगा पैथोलॉजिकल चेस्ट एक्सरेज, उसमें साथ में नॉर्मल चेस्ट एक्सरे यहाँ नीचे दिया हुआ होगा ताकि आप फॉरन रेडी कंपैरिजन कर सको। आपको याद है हम इसको सिस्टमैटिकली किस तरह अप्रोच करते थे। सबसे पहले ये देखते थे कि चेस्ट एक्सरे ठीक पकड़ा हुआ है या नहीं, होल्ड इट राइट। नंबर 2 पे हम ये देखते थे कि पेशेंट की आईडीज वगैरह ठीक है। नंबर 3 पे हम ये देखते थे एक्सपोजर ठीक है या नहीं, एंड देन वी यूज टू प्रोसीड डायग्नोसिस के लिए। अब देखो यहाँ ये जो चेस्ट एक्सरे आपके सामने है, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है चेस्ट एक्सरे, उस एक्चुअली दिस चेस्ट एक्सरे, इस चेस्ट एक्सरे में दिस इज द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, दैट इज नॉर्मल, एंड दैट इज अ पैथोलॉजिकल चेस्ट एक्सरे। क्या डिफरेंस आपको लग रहा है इसमें और इस नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में? सो इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट सिस्टमैटिक अप्रोच, अगर आपको याद हो, दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज सेंट्रली प्लेस, इट इज़ फाइन स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। तो हम ट्रैकिया देखते थे, फिर हम कार्डियक साइज देखते थे, फिर राइट और लेफ्ट बॉर्डर्स देखते थे। यहाँ ये जो वाइट 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 एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट प्रेजेंट एक्चुअली इन द नॉर्मल एक्सरे। नॉर्मल एक्सरे में नॉर्मल लंग फील्ड की लाइनिंग्स नज़र आती हैं जो ब्लड वैस्कुलर लाइनिंग्स होती हैं, लेकिन इस तरह की वाइट ओपेसिटी आपको नॉर्मल एक्सरे में नहीं दिखती, विच मीन्स दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। ठीक है, सो फाइंडिंग इसमें क्या है, देयर इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हुई है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये वाइटिश पैची एरिया आपको दिख रहा है। अब कंसोलिडेशन किस डिजीज़ में कॉमन है, इन द डिजीज़ निमोनिया। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा लोब है। देखें ये राइट लोब है या लेफ्ट लोब, ये तो आप ये एक्सरे देख के बता देंगे कि दिस इज द राइट लोब। अब राइट साइड ऑफ द लंग, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक इसका अपर पोर्शन होता है, एक इसका मिडल पोर्शन होता है और एक उसका लोअर या इंफीरियर पोर्शन होता है। सो दिस बेसिकली दिस कंसोलिडेशन इज इन द राइट मिडल लोब ऑफ द लंग। सो बेसिकली आप जब निमोनिया का चेस्ट एक्सरे देखते हैं, सो निमोनिया के चेस्ट एक्सरे में आपको इस तरह से वाइटिश पैचेस नज़र आते हैं और जिसको हम नाम देते हैं मेडिकल टर्म्स में कंसोलिडेशन। सो देयर इज़ अ कंसोलिडेशन इन दिस एक्सरे विच मे बी बिकॉज ऑफ निमोनिया एंड दिस लुक्स टू बी इन द राइट मिडल लोब ऑफ द लंग। इस तरह से आप इस चेस्ट एक्सरे को एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली फिर इस पेशेंट की आप हिस्ट्री लेंगे तो इसको कफ की हिस्ट्री होगी, स्प्यूटम प्रोडक्टिव कफ की हिस्ट्री होगी, फीवर होगा और चेस्ट एक्सरे पे ये कंफर्म हो रहा है, एंड देन यू ऑब्वियसली prescribe the patient with antibiotics, okay? So that is the first X-ray pneumonia का case। दूसरा देखते हैं X-ray हमारे पास कौन सा है। इस X-ray में भी if you look there is white opacity, but this time the opacity in the right or the left lung, it is in the left lung, this is the left lung। और लेफ्ट लंग के 2 ही लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर, there is no middle lobe in the left lung। So ये left lower lung में consolidation है, so this is also pneumonia। So the point is that in pneumonia you see such white opacity, और ऐसी अगर white opacity आपको दिखती है then you think about pneumonia। Obviously medicine में देखें how you deal patients in medicine is कि patient आपके पास आता है with some sort of presentation। आपकी प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़, ये खांसी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है इतने दिन से, दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन। यू ऑब्वियसली टेक अ डिटेल हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद यू ऑब्वियसली डू सम फिजिकल एग्जामिनेशन and you do order some labs and then you obviously make your diagnosis and treat the patient। Sometimes treatment start हो जाती है empiric treatment और labs के बाद आप definitive treatment देते हैं। But इस पूरे cycle में जब आप labs perform करते हैं, जैसे कि chest x-ray is a laboratory investigation, जब आप लैब्स परफॉर्म करते हैं तो वो लैब्स अकेले नहीं होती आपकी डायग्नोसिस के लिए, आपको उस लैब को देखना होता है इन लाइन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट, विद द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, विद फिजिकल फाइंडिंग्स ऑफ द पेशेंट। लैब में अगर आपको चेस्ट एक्सरे में कंसोलिडेशन दिख रही है तो ये सब मैच करेगा पेशेंट की हिस्ट्री के साथ, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ। यहाँ पे जब आप परकशन करेंगे तो उसके साउंड से आपको कंफर्म होगा, ऑस्कल्टेशन से कंफर्म होगा और पेशेंट की प्रेजेंटेशन। सो ये सारी चीज़ें मिलकर पेशेंट की डायग्नोसिस बनाती हैं, ठीक है। सो निमोनिया में बेसिक बॉटम लाइन पॉइंट क्या है कि आपको कंसोलिडेशन दिखेगी, आपको पता होना चाहिए कौन से लोब में है और कंसोलिडेशन कैसे दिखती है। सो ये दो स्लाइड्स मैंने आपको दिखा दी फॉर आइडेंटिफाइंग निमोनिया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बॉस, अब ये एक चेस्ट एक्सरे आपके सामने है। अगेन दिस इज द नॉर्मल चेस्ट एक्सरे टू टेल यू के हाउ द नॉर्मल लुक्स लाइक, ये अब आपके दिमाग में होना चाहिए हर वक्त। अब यहाँ देखें, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट, राइट साइड ऑल लुक्स ओके। सबसे पहले हम अगर सिस्टमिक अप्रोच की बात करें कि हम जब कभी चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो नंबर वन होल्ड इट राइट, नंबर टू आप उसकी पेशेंट की आईडीज़ चेक करते हैं, नंबर थ्री आप एक्सरे की क्वालिटी चेक करते हैं, नंबर फोर आप सिस्टमेटिकली उसको वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को देखना शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे में वो मैंने आपको क्या सिखाया था, ट्रैकिया। ये रही देखें ट्रैकिया, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर बट इट इज़ डेविएटिंग अ लॉट टू द राइट साइड। तो ये जो इतना बड़ा शिफ्ट है ट्रैकिया का, डू यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल? नो, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। तो यहीं से मेरे दिमाग में जो है ना रिंगिंग बेल्स जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है कि यार ये ठीक नहीं लग रहा। फिर मैं जब हार्ट को देख रहा हूँ तो हार्ट इज़ ऑल्सो, इसका जो राइट बॉर्डर है वो मुझे दिख रहा है कि मेडियास्टिनम का काफ़ी राइट साइड पे शिफ्टेड है, इसका जो मेडियास्टिनम का लेफ्ट बॉर्डर है वो भी मिडल में नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है राइट साइड पे। और राइट लंग फील्ड तो मुझे ओके लग रही है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, लुक है आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, दिस बॉर्डर लेफ्ट साइड पे, ये बॉर्डर क्या है बॉस? ये तो नॉर्मल एक्सरे में नहीं होता। ये देखें बाकायदा इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ कलर एंड लुक दिस 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 दिस, ये पूरा एक बॉर्डर दिख रहा है। ये बॉर्डर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस बॉर्डर के अगर मैं इस एरिया पर देखूं तो मुझे लंग की वैस्कुलेचर लाइनिंग्स दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं ये फील्ड देखूं, ये एरिया देखूं तो ये एब्सोल्युटली ब्लैक दिख रहा है। ये ऐसा दिख रहा है कि इसमें कोई लंग टिश्यू है ही नहीं। एंड एक्चुअली दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द फाइंडिंग। इस पूरे एरिया में देयर इज़ नो लंग टिश्यू बिकॉज ये लंग कोलैप्स हो गया है, ये लंग कोलैप्स हो गया है और इस पूरे एरिया में एयर भर चुकी है। अब चूंकि इस पूरे एरिया में एयर भर चुकी है वो लंग को पुश कर रही है इस तरफ, चूंकि वो लंग को इस तरफ पुश कर रही है वो ट्रैकिया को भी इस तरफ पुश कर रही है एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लंग फील्ड कोलैप्स। सो लेफ्ट लंग फील्ड कोलैप्स का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे जो लंग फील्ड है वो श्रिंक हो गई है, सिर्फ इतना सा लंग रह गया है, ये पूरी एयर है, ठीक है। और डायग्नोसिस क्या है, न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का मतलब ये है कि देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द प्लूरल कैविटी में सारी एयर भर चुकी है और इस एयर के भरने की वजह से लेफ्ट साइड का जो लंग है वो कोलैप्स हो गया है और वो ट्रैकिया को पुश कर रहा है राइट साइड पे। एंड दिस इज़ एन इमरजेंसी, फौरन नीडल डालनी होगी, इस टेंशन न्यूमोथोरैक्स को रिलीव करना होगा। एक्चुअली दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन जिसको फ़ौरन डील करना चाहिए एंड इट्स बेसिकली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। यानी क्लिनिक में जब ये पेशेंट आता है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस करनी होती है इस तरह के केसेस की, न्यूमोथोरैक्स की। एक्सरे का वेट भी नहीं करते, बट एनीवेज दिस इज़ टू टेल यू कि हाउ डज द लंग फील्ड कोलैप्स या न्यूमोथोरैक्स बेसिकली लुक्स लाइक ऑन एन एक्सरे, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। इस डायग्राम को ज़रा देखिए, यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, एक इसको मैं कह देता हूँ डायग्राम नंबर वन, एक्सरे नंबर वन एंड दिस इज एक्सरे नंबर टू। ना लुक हेयर, यहाँ पे अगर मैं ट्रैकिया को मार्क करूँ सो ट्रैकिया इज़ डेविएटिंग ऑन द राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे लंग टिश्यू मौजूद है, ये सारी आपको मार्किंग्स दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट साइड पे देखूँ, लेफ़्ट साइड पे ये सारा प्योर ब्लैक एरिया है, देयर इज़ ऑल एयर, ये सारी एयर भरी हुई है, यानी यहाँ पर लंग टिश्यू है ही नहीं। सो इसका मतलब दिस पिक्चर नंबर वन इज लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, या लेफ्ट लंग कोलैप्स। लेकिन अगर आप एक्सरे नंबर टू देखें तो यहाँ आपको क्लियर होगा कि ये सारा लंग टिश्यू मौजूद है बट यहाँ प्लेन ब्लैक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि इसमें सारे में एयर भरी हुई है एंड दिस वन इज अ राइट साइडेड pneumothorax. So that's a right-sided pneumothorax. That's a diagram of a left-sided pneumothorax. आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि pneumothorax कैसे दिखता है. पूरा plain black होगा, इसमें कोई lung vascular markings नहीं दिखेंगी. इसका मतलब lung tissue है ही नहीं. पूरे का पूरा lung collapse कर गया है. इस diagram में left lung collapse कर गया है. इस diagram में right lung collapse कर गया है. So this is how the pneumothorax X-ray looks like. Pneumonia में क्या था? White patch. Pneumothorax में क्या है? Collapse of the lung. ठीक है. आइए अगला केस देखते हैं. इस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो यहाँ ट्रैकिया भी सेंटर में है, बोन्स भी ठीक ठाक हैं, दोनों तरफ लंग मार्किंग्स भी हैं, कार्डियक शैडो भी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, बॉडी वॉल भी ठीक है, बोन्स में फ्रैक्चर भी नहीं है. लेकिन जब मैं डायफ्राम को देखता हूँ तो लुक हेयर, यहाँ जब आप डायफ्राम को देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो दैट्स द राइट हैमी डायफ्राम, दिस इज द लेफ्ट हैमी डायफ्राम. यहाँ पे एब्नॉर्मल एक्सरे में ये जो राइट हैमी डायफ्राम है, इसके नीचे ये ब्लैक चीज़ क्या है बॉस? ब्लैक क्या होता है एक्सरे में? इज द एयर, यानी डायफ्राम के नीचे एयर है. यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लियर ब्लैक एयर मौजूद है. यानी फाइंडिंग इस एक्सरे की क्या है? एयर अंडर डायफ्राम. और एयर अंडर डायफ्राम इज नॉट अ नॉर्मल फाइंडिंग, इट्स अ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग. हो सकता है बाउल परफोरेशन हुई हो, इस पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो और वो अल्सर रप्चर कर गया, परफोरेट कर गया हो, ड्यूडेनल अल्सर हो वो परफोरेट कर गया हो, या ट्यूबरकुलोसिस हो इंटेस्टाइन की वो परफोरेट कर गई हो. किसी भी वजह से अगर बाउल परफोरेशन होगी तो एयर पेरिटोनियम में जमा हो जाएगी और वो यहां आकर के एक्सरे में इट अपीयर्स ब्लैक लाइक दिस. ओके, सो एयर अंडर डायफ्राम इज एन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग. तो अगर सिस्टमैटिकली मैंने जो आपको एक्सरे पढ़ना सिखाया था, आप उसके सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो उसमें एक स्टेप था डायफ्राम. तो जब भी आप डायफ्राम को देखेंगे वहां आपको ये ब्लैक एयर अगर नजर नहीं आती, इट्स नॉर्मल. लेकिन अगर इस तरह से ब्लैक एयर नजर आती है, सो दिस इज एबनॉर्मल. ठीक है. सो आपको निमोनिया की स्लाइड मैंने दिखाई, आपको मैंने ये बताया कि न्यूमोथोरिक्स कैसे दिखेगा. एंड नाउ वी हैव लर्न हाउ डज एयर अंडर डायफ्राम लुक्स लाइक. ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं. नेक्स्ट केस में लुक एट दिस डायग्राम. This is a case of pleural effusion. यहाँ पे ये जो सारा वाइट है और ये एक कॉन्केव सरफेस बना रहा है, दिस इज ऑल, पूरा लंग गायब, नजर नहीं आ रहा. बेसिकली कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, याद है मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स. तो ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और ये निमोनिया से डिफरेंट है. देखें, निमोनिया में राउंडेड वाइट पैचीनेस होती है, जबकि यहाँ पे जो वाइट पैचीनेस है वो एक कॉन्केव बॉर्डर बना रही है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि इट्स सम फॉर्म ऑफ अ लिक्विड. सो सच पेशेंट्स आर लेबल्ड एज pleural effusion patient because there is loss of costodiaphragmatic angle. यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए था नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मल एक्सरे देखूँ, लुक एट द नॉर्मल एक्सरे, ये है नॉर्मल एक्सरे जिसमें बाकायदा ये एंगल नज़र आ रहा है, और यहाँ ये सारा एंगल लिक्विड से भरा हुआ है. बिकॉज दिस इज ऑल फिल्ड अप विद लिक्विड, दिस इज possibly a diagnosis of pleural effusion. ठीक है. So now you know how does pneumonia looks like, how does pneumothorax looks like, how does air under diaphragm looks like, and now how does pleural effusion looks like. ठीक है. आइए अगला केस देखते हैं. Now this is also an important case because अक्सर पेशेंट्स में हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं. वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो ज़ाहिर है इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जानी चाहिए. सो इट शुड यूजली डाउन फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक को जानी चाहिए. लेकिन यहाँ देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ट्यूब नीचे आ रही है और फिर एक लूप लेके वो चली गई है इस तरफ, विच मीन्स इट इज़ नाउ एक्चुअली इन द ब्रोंकस. ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो ब्रोंकस में, जो कि ब्रोंकस में नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स द रॉन्ग पोजीशन. सो समटाइम्स आपको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की पोजीशन चेक करने के लिए भी चेस्ट एक्सरे करवाना पड़ता है. एंड यू शुड बी एबल टू, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स पता है कि भाई ये ऊपर से ट्रैकिया आ रही होगी, ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो रही होगी, तो ये तो ब्रोंकस में जा रही है एक्चुअली. अगर आपको ये नॉर्मल फीचर्स पता है, देन यू विल बी एबल टू पिक इट अप कि ये स्टमक में जाने के बजाय इट हैज़ गॉन टू दी ब्रोंकस, विच इज़ द रॉन्ग प्लेस. ठीक है जी. अगला केस देखते हैं. नेक्स्ट जो केस है वो है ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में एक्सरे पे नजर आता है. समटाइम्स इट इज सिंपली, ये जो हाइला है, हाइला में आपको इस तरह से वाइट पैचनेस दिखता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. चूंकि ये दोनों तरफ है तो इसको कहते हैं बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. समटाइम्स बिग कंसोलिडेशंस, जैसे नमोनिया में दिखती हैं, ऐसे बिग ओपेसिटीज दिखती हैं ट्यूबरक्लोसिस में। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस पूरे लंग में छोटे 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 वाइट पैचेस दिखते हैं दोनों तरफ, और अगर इस तरह की पिक्चर दिखे देन यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। नाउ ट्यूबरक्लोसिस में ऑल्सो प्रेजेंट एज प्लूरल इफ्यूजन, देखें कॉन्केव सरफेस है, मैसिव प्लूरल इफ्यूजन इज अ फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एंड समटाइम्स इन ट्यूबरक्लोसिस यू सी बॉल्स जिसमें कैविटेटिंग लीजन, इसको हम कहते हैं कि कैविटीज दिखती हैं बाकायदा। देखो एक बॉल बनी हुई है, अंदर कैविटी है, ये पूरा सर्कल बना हुआ है, अंदर कैविटी है, पूरा सर्कल बना हुआ है, अंदर कैविटी है, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस का पैथोलॉजिकल हॉलमार्क है। सो टीबी बेसिकली इन तमाम फीचर्स के साथ एक्सरे पे प्रेजेंट कर सकता है। So this then takes us to the end of this lecture। हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें सीखी, नमूनिया कैसे दिखता है, न्यूमोथोरिक्स कैसे दिखता है, प्लूरल इफ्यूजन कैसे दिखता है, एयर अंडर डायफ्राम चेस्ट एक्सरे पर कैसे दिखता है, एंड ट्यूबरक्लोसिस के डिफरेंट वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं चेस्ट एक्सरे पे। दीज आर वेरी वेरी कॉमन एक्सरेज जो अक्सर एग्जाम में भी दिए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पेशेंट्स भी बहुत कॉमन हैं हम हमारी सोसाइटीज़ में। सो आपको ये तमाम जो एक्सरेज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, रिपीट द वीडियो, वॉच अगेन एंड अगेन, आपको ये फीचर्स मास्टर करने हैं कि एक्सरे में पैथोलॉजी किस तरह पिक करनी है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर कलीग्स। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।